हम सीखेंगे अपने हायर के लेटेस्ट मॉडल 23 लीटर कनेक्शन माइक्रोवेव का ऑपरेटिंग डेमो, जिसका मॉडल नंबर है HIL2302CRSH। तो यहाँ हम देखेंगे इस माइक्रोवेव के अंदर माइक्रो मोड है, ग्रिल मोड है, कन्वेक्शन मोड है और कॉम्बिनेशन मोड है। तो सबसे पहले बात करें हम माइक्रो मोड की। माइक्रो मोड में हम जो भी चीज़ें पकाते हैं, लाइक दाल है, चावल है, सब्जियाँ हैं, पुलाव है, इडली है, ढोकला है, वो सब का सब हमारा माइक्रो मोड में बनेगा। अब माइक्रो मोड में भी जैसे कि गैस में होता है, गैस की जो पावर लेवल होती है वो हाई, मीडियम, लो होती है। यहाँ पर माइक्रोवेव की जो पावर लेवल है वो 5 है। अगर मैं पहली बार इसको प्रेस करता हूँ माइक्रो पावर को, तो ये शो करेगा आपको माइक्रोवेव की 100% पावर। अगर आप इसमें माइक्रोवेव में कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं, ना एक दाल है, चावल है, सब्जियाँ, तो ऑलवेज होगी माइक्रोवेव में 100% पावर पे। बट अगर मैं बात करूँ माइक्रोवेव की 80% पावर, जो कि अगेन प्रेस करने पे आती है, तो इस केस में हमारे पास जो भी करी वाली आइटम होती है, लाइक आलू करी, मटर करी, उस टाइप की आइटम, जो भी करी वाली सब्जी आप बनाएंगे, तो वो बनेगी माइक्रोवेव की 80% पावर में। अगर मैं बात करूँ माइक्रोवेव की 60% पावर, जो कि अगेन माइक्रो पावर के दबाने से आता है 50% पावर, तो उस केस में जो भी चीज़ हम बनाते हैं, लाइक हम करी बनाते हैं जो कि उबल के बाहर ही निकलती है और गाढ़ी हो जाती है, तो वो होगी हमारी माइक्रोवेव की 30% पावर में। अगर मैं बात करूँ इसी के बाद अगेन पावर आएगी माइक्रो की 30% पावर, तो उस केस में जो भी हम आपको मिल्क या कॉफ़ी बनाएंगे, चाय कॉफ़ी बनाएंगे, जो कि हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए और अच्छी तरीके से पकी हुई उबली हुई चाहिए, तो वो बनेगी हमारी माइक्रोवेव की 30% पावर में। और मैं अगर इसके बाद अगेन पावर की बात करूँ, तो ये आती है माइक्रो की 10% पावर। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, अगर हम सर्दियों में आइसक्रीम और बटर यूज़ करते हैं, तो हम बटर और आइसक्रीम को सॉफ्ट नहीं कर सकते, हम उसे मेल्ट कर सकते हैं बट सॉफ्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ ये माइक्रो की 10% पावर जो है वो आइसक्रीम और बटर को सॉफ्ट भी कर देगी, ताकि आप इजीली ब्रेड पे स्प्रेड करके यूज़ कर सकें। तो ये है इसकी माइक्रोवेव की पावर। अब बात करते हैं इसमें यूज़ करने वाले यूटेंसिल्स की। तो अगर मैं बात करूँ माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव मोड में ऑलवेज माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक वेयर बॉल और माइक्रोवेव सेफ ग्लासवेयर बॉल यूज़ करते हैं। एक चीज़ और, माइक्रोवेव सेफ ग्लासवेयर बॉल की एक डिमांड होती है, जब भी ये बॉल गर्म हो गया तो आप इसमें ठंडी चीज़ नहीं डालेंगे, और अगर ठंडा है तो गर्म चीज़ नहीं डालेंगे, अदरवाइज ये क्रैक हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप माइक्रोवेव सेफ जो प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं, आप किस तरीके से पहचानेंगे कि जो आपने बर्तन लिया वो माइक्रोवेव सेफ है या नहीं है? तो आपने करना क्या है, बहुत ही तरीका है, माइक्रोवेव का डोर खोलना है, जिस एक बॉल के अंदर पानी रखिए, इस माइक्रोवेव के अंदर रखिए, डोर को क्लोज कीजिए और इसको 30 सेकंड के लिए सिर्फ चला दीजिए। अगर 30 सेकंड में आपका पानी गर्म होता है और जो आपका बर्तन है उसके ऊपर का ढक्कन गर्म नहीं होता है, इट मीन्स वो जो माइक्रोवेव बर्तन है वो माइक्रोवेव सेफ है। अगर वो बर्तन भी गर्म होता है, इट मीन्स वो माइक्रोवेव सेफ बर्तन नहीं है, वो माइक्रोवेव सेफ नहीं है, इसलिए वो बर्तन गर्म हो गया 30 सेकंड में, और वो उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू कर देगा, अपना कलर छोड़ना शुरू कर देगा, इट मीन्स वो माइक्रोवेव कैपेबल नहीं है। तो याद रखिए, ऑलवेज माइक्रोवेव में माइक्रो सेफ बर्तन यूज कीजिए, ना कि ऑर्डिनरी बर्तन। एक चीज और, माइक्रोवेव में अगर आप कभी भी कुछ बना रहे हैं, लाइक अंडा बॉइल करते हैं, तो ऑलवेज जो किट आपके साथ आती है उसमें बॉइल ना करें। उसमें अगर बॉइल करते हैं तो वो अंडा फट सकता है, हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि माइक्रोवेव में अगर आप एग बॉइल कर रहे हैं तो एग बॉयलर अटैचमेंट अलग से आता है, वही रख के आप माइक्रोवेव में बॉइल कीजिए, अदरवाइज एग फट जाएगा। एक चीज़ और, माइक्रोवेव में ही हमारी बहुत सारी रोस्टिंग भी होती है, लाइक हम पीनट्स रोस्ट करते हैं, हम सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी रोस्ट करते हैं, आटे का हलवा बनाने के लिए या लड्डू बनाने के लिए आटा रोस्ट करते हैं, वो भी माइक्रोवेव में होगा, लेकिन उस केस में ऑलवेज ध्यान रखिएगा माइक्रो सेफ प्लास्टिक वेयर बर्तन यूज़ करने अपने, ऑर्डिनरी नहीं। एक चीज़ और, हम लोग जो कप में चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उनमें सिल्वर या गोल्डन लाइनिंग होती है, तो ध्यान रखिए माइक्रोवेव में उस तरह के बॉन्ड चाइना के कप आप यूज़ नहीं करेंगे जिसमें सिल्वर या गोल्डन लाइनिंग होती है, अदरवाइज वो स्पार्क करेगा। माइक्रोवेव में माइक्रो सेफ प्लास्टिक यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास टपरवेयर का आता है और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। और अगर बात करें ग्लासवेयर की, तो लाओ पिल आता है, बोरोसिल आता है, इस तरह के जो भी ब्रांड हमारे माइक्रो सेफ आते हैं वो हम ग्लासवेयर बॉल यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूँ सेकंड बटन, तो ये है इसमें ग्रिल ऑप्शन। ग्रिल में देखेंगे तो माइक्रोवेव के जो टॉप साइड में यहाँ एलिमेंट लगा होता है ऊपर, ये ग्रिल का एलिमेंट होता है जो कि रोस्टिंग करता है, और उसके लिए आपके पास एक स्टैंड आता है जो कि ये होता है। अगर मैं बात करूँ ग्रिल आपको चलाना है, तो ऑलवेज इस तरह स्टैंड रखिए
कि इसके जो बड़े लेग्स हैं वो नीचे है और छोटे लेग्स ऊपर, ये देखिए ये माइक्रो में इस तरह सेट होगा, बड़े लेग्स इसके नीचे और छोटे लेग ऊपर। घंटा बटन दबाइए, टाइम दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने दबाया ये टाइम चला और ये स्टार्ट हो गया, ये देखिए। तो ये होगा माइक्रो। इस केस में जो भी चीज़ आपने टॉप रोस्टिंग करनी है, लाइक आपने सैंडविच बनाना है टॉप रोस्टिंग करनी है, आपने पनीर टिक्का बनाना है तो टॉप रोस्टिंग करनी है, आपने गार्लिक ब्रेड बनानी है टॉप रोस्टिंग करनी है, तो जो भी टॉप रोस्टिंग करनी है वो हमारे इस ग्रिल मोड में होगी। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है कनेक्शन। मैं कनेक्शन को प्रेस करूँगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये शो करता है 110 डिग्री टेम्परेचर। इसी को अगर मैं प्रेस करता रहूँ तो ये बढ़ता रहेगा 130, 140, 150 और ये बढ़ते रह के मैक्सिमम पहुँचेगा 200 डिग्री। और जब भी आपने माइक्रो यूज़ करना है कनेक्शन मोड के अंदर, आपने पहले से प्रीहीट करना है, यानी कि खाली माइक्रो में, माइक्रो में कुछ नहीं रखना आपने, खाली माइक्रो में कनेक्शन का टेम्परेचर सेलेक्ट करा और इसे स्टार्ट कर दिया। ये प्रीहीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखिए ये जो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर था हमने 200 रखा है, बट जैसे ही प्रीहीटिंग होने लगेगी यहाँ से जो इसके डॉट्स हैं ये ब्लिंक करेंगे और ये आपको दिखाएंगे कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। यहाँ ये 100, 110, 120 इस तरह बढ़ता जाएगा, तो ये आपको दिखा देगा। इस प्रोसेसर में मिनिमम लगते हैं 2 मिनट और मैक्सिमम लगते हैं 7 मिनट, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन वेदर। आज के टाइम क्या है, जो हमारा वेदर है वो थोड़ा सा कोल्ड है तो उसके केस में थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड हो सकता है, अदरवाइज ये इतना ही टाइम लेगा। और अगर मैं बात करूँ फोर्थ वन की तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो पहले दिखा रहा है C1। C1 में आप देखिए ऊपर साइन दिखाता है, ये माइक्रो का साइन है 3 लेयर, जो ग्रिल का साइन और कनेक्शन साइन है वो है फैन, यानी कि ये माइक्रो कनेक्शन कॉम्बिनेशन चल रहा है। दूसरा ऑप्शन बात करूँ तो ये आपका चल रहा है माइक्रो ग्रिल, यानी कि इसमें माइक्रो मोड भी ग्रिल मोड भी चलेगा। तीसरे की बात करता हूँ तो यहाँ चल रहा है कनेक्शन और ग्रिल मोड। और जो फोर्थ की बात करता हूँ तो इसमें ये माइक्रो ग्रिल कनेक्शन, 3 ऑप्शन चलते हैं। अब बात करते हैं इनमें बनने वाले फूड्स की। तो पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन वन की, जिसमें माइक्रो कनेक्शन चल रहा है। यहाँ आपके पास जो भी ऐसी जो कि आपको कुक एंड बेक चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बेक वेजिटेबल, आप चाहेंगे वेजिटेबल कुक भी हो और जो आपने चीज़ डाला, क्रीम डाली, मेयोनीज डाली वो बेक भी हो, तो देन आप यूज़ करेंगे माइक्रो कनेक्शन कॉम्बिनेशन। और इस केस में जो यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे वो माइक्रोवेव सेफ ग्लासवेयर बॉल, और हमेशा उसे इस तरीके से रखेंगे, यानी कि जो छोटे लेग है वो नीचे कर देंगे और यहाँ पर आप बाउल रख के उसे बेक करेंगे। इसके बाद अगर बात करूँ जो कॉम्बिनेशन टू आएगा, कॉम्बिनेशन टू में आपके पास आएगा माइक्रो ग्रिल कॉम्बिनेशन। तो उस केस में आप बनाएंगे स्टफिंग वाले आइटम, लाइक स्टफ करेला, स्टफ टमाटो, स्टफ पोटैटो, स्टफ भिंडी। उस केस में आप जो रैंक यूज करेंगे उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि जो बड़े लेग्स हैं वो नीचे आएंगे, छोटे लेग्स ऊपर, और यहाँ पर आप फूड रखेंगे और इसमें माइक्रो ग्रिल दोनों चीज चलेगी। जो भी स्टफिंग वाले आइटम होगी लाइक स्टफ करेला, स्टफ टमाटो, स्टफ भिंडी, स्टफ कैप्सिकम, वो सब इस कॉम्बिनेशन मोड में बन जाएगी, जो कि माइक्रो ग्रिल कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन 3 की तो यहाँ ये चल रहा है आपका कन्वेक्शन, माइक्रो कन्वेक्शन और ग्रिल मोड। इस केस में जो भी आप ऐसी बनाते हैं जो कि रोस्टेड बेक चाहिए आपको, एग्जाम्पल के लिए आप चिकन लॉलीपॉप, या फिर मैं बात करूँ तो आप चिकन कबाब या वेज कबाब, आप चाहेंगे वो टॉप बॉटम इक्वल ब्राउन हो, इक्वली रोस्ट हो, इक्वली बेक हो, तो देन आप यूज़ करेंगे ग्रिल और कन्वेक्शन मोड का कॉम्बिनेशन। और वहाँ आप इसी स्टैंड को इस तरीके से रखेंगे हाई रैक की तरह, यानी कि लो जो लेग्स है बड़े वाले नीचे और छोटे वाले ऊपर। अगर मैं बात करूँ फोर्थ कॉम्बिनेशन की तो ये होता है माइक्रो ग्रिल कनेक्शन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। इस केस में आप जो यूज़ करेंगे सेम यही स्टैंड यूज़ करेंगे। इस केस में ऐसी चीज, एग्जाम्पल आपने होल चिकन बनाया, अब आप चाहेंगे जो चिकन है वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली ब्राउन भी हो, टॉप लेयर की ज़रा ब्राउन भी हो, और जो फिलिंग आपने भरी वो अंदर तक कुक भी हो, देन आप यूज़ करेंगे माइक्रो ग्रिल कनेक्शन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ताकि ये इजीली और बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये है इसका ऑपरेटिंग। अगर मैं बात करूँ इसके बाद, इसके नीचे देख रहे हैं आप, ये डोर पे लिखा हुआ है, नंबर 1 पे ऑयल फ्री, दूसरे में ब्रेड नान, तड़का करी, इंटरनेशनल रेसिपीज, इंडिया स्पेशल, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स। तो जो भी ये ऑटो मेन्यू है आपने बनाने हैं उसकी अगर मैं बात करूँ, आपने पहले ऑटो मेन्यू सेलेक्ट करा, एग्जाम्पल आपने एक सेलेक्ट करा, एक के बटन को प्रेस करके ये आ गया OF। OF की जो फुल फॉर्म है वो ऑयल फ्री कुकिंग है। फिर इसमें ऑयल फ्री कुकिंग में ऐसा नहीं कि एक ही रेसिपी है, इसमें 10 से 15 किसी में 20 किसी में 30 रेसिपी है। ये सारी की सारी रेसिपी आपको जो इसकी बुकलेट आती है
उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए ये हमारा 2302 CRSH की मैनुअल बुकलेट है, जिसके अंदर आपको पूरी रेसिपी यहाँ मिलेगी। यहाँ ये तड़का करी है, अगर मैं बात करता हूँ ऑयल फ्री की रेसिपी ये आ रही है, इसमें फूड का मटेरियल, उसमें कितना वेट है देना है, अपने मटेरियल कितनी क्वांटिटी में देना है, क्या मटेरियल यूज़ करना है, वो सारा लिखा हुआ है। अब मैं करने का तरीका क्या है, आपने पहले ओएस सेलेक्ट करा यानी कि ऑयल फ्री रेसिपी, फिर आपने नंबर सेलेक्ट करा एग्जाम्पल 5, आपने 5 नंबर लिया, अंदर फूड रखा, बंद करा, फिर आप सेलेक्ट करेंगे इसका वेट, फूड का वेट कितना है। मैं वेट पे प्रेस करता हूँ, ये आ रहा है 300 ग्राम, ये 500 ग्राम हो गया, ये 300 ग्राम, तो जो आपने वेट लिया 300 ग्राम, 300, 500 है 500, देन स्टार्ट। ये 22 मिनट टाइम लेगा और इस फूड को कन्वेक्शन मोड पे पका देगा। तो ये है ऑटो कुक मेन्यू को ऑपरेट करने देगा, जो कि सब में यही है। अगर मैं बात करूँ इसके नीचे के बटन की, तो यहाँ पर रीहीट मेन्यू है, आप अगर इसे ही बात करूँ तो रीहीट मेन्यू का बटन दबाएंगे, ये आपका रीहीट 1, रीहीट 2, रीहीट 3, रीहीट 4, रीहीट 1, यानी कि इसमें 4 रीहीट के मेन्यू है। अब इसका भी ऑप्शन आपके बुकलेट में मेंशन है, आपने सिर्फ आपको स्टार्ट का बटन दबाना है, वेट नंबर सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है। ये टाइम टेम्परेचर अपने आप लेगा और उस फूड को रीहीट करके दे देगा। अगर मैं बात करूँ ये टाइम क्लॉक की, तो ये सिर्फ स्टॉप वॉच है, जो कि स्टॉप वॉच चलेगी, ये देखिए ये स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई, ये देखिए 8 सेकंड का मैंने टाइम दिया, और सॉरी 80 सेकंड टाइम लिया, अभी देखिए ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो गई। डोर खुलवा करवा, ये देखिए ये स्टार्ट हो गई है। इसके बाद बात करूँ तो वेट की, ये जो ऑटो बुक मेन्यू है उसमें वेट लेगा, और जो लास्ट बटन है वो है डिफ्रोस्ट का, इसको दबाऊंगा तो डिफ्रोस्ट 1, डिफ्रोस्ट 2, डिफ्रोस्ट 3, डिफ्रोस्ट 4। अब डिफ्रोस्ट में क्या है, अपने जो भी फ्रोजन फूड आप बनाते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए यानी कि रूम टेम्परेचर बनाने के लिए हम लोग डिफ्रोस्ट करते हैं। अपने डिफ्रोस्ट का बटन दबाना है, फिर उसका फूड का वेट सेलेक्ट करना है, ये आपका टाइम सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है। दूसरा, इसमें जो डिफ्रोस्ट 2 है इसमें भी आपको वेट सेलेक्ट करना है कि 88 ग्राम है, देन स्टार्ट, ये टाइम ले लेगा अपने आप। तो ये है इसका ऑपरेटिंग मोड। एक और बहुत बेस्ट चीज़ है इसमें, इसमें ना आपको किक स्टार्ट का एक बटन है, यानी कि अगर आपने कोई फूड को हीटअप करना है तो डायरेक्टली सर आप स्टार्ट का बटन दबाइए, ये माइक्रोवेव मोड में माइक्रो की 100% पावर पे 30 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपके फूड को ये रीहीट कर देगा बहुत ईजी तरीके से। इसके अलावा एक चीज़ और, इसमें एक ऑप्शन है मल्टी स्टेज कुकिंग, यानी कि सपोज आपने ग्रिल मोड लिया 5 सेकंड लिए, फिर आपने कन्वेक्शन मोड दबाया 15 सेकंड लिए और स्टार्ट कर दिया। देखिए पहले ये ग्रिल मोड्स का साइन दिखा रहा है, 5 सेकंड के लिए स्टार्ट हो गया, जैसे ही ये टाइम पूरा हुआ ऑटोमेटिकली ये कन्वेक्शन मोड 15 सेकंड के लिए स्टार्ट हो गया, यानी कि कोई भी फूड जो आपको 2 या 3 स्टेप में बनाना है उसके लिए आपने इसमें दोनों या तीनों स्टेप सेलेक्ट कर लिए हैं और ये ऑटोमेटिकली 1x1 ऑटोमेटिकली प्ले करते रहेंगे। यानी कि आप जब भी कोई फूड बना रहे हैं जो कि 2 या 3 स्टेप में बन रहा है, आपको माइक्रोवेव के साथ में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इसमें ऑपरेशन सेलेक्ट कीजिए कि आपने ग्रिल मोड में पकाना है या माइक्रो मोड में पकाना है, फिर इसे ग्रिल करना है और स्टार्ट कर दीजिए। पहला मोड जैसे ही टाइम ओवर होगा ऑटोमेटिकली इसका सेकंड मोड स्टार्ट हो जाएगा और ये फूड को पका देगा, रोस्ट करना हो तो रोस्ट कर देगा, बेक करना हो तो बेक कर देगा। तो ये है इसका फुल इजी ऑपरेटिंग डेमो। इसके अलावा मैं आपको दोबारा बताता हूँ, माइक्रो मोड में ऑलवेज माइक्रो सेफ प्लास्टिक वेयर बॉल, माइक्रोवेव सेफ ग्लास वेयर बॉल यूज कीजिएगा, और माइक्रो से प्लास्टिक वेयर बॉल को पहचानने का तरीका बहुत इजी है। आप उसमें एक बॉल 1 कप पानी डाल के अंदर रखिए 30 सेकंड लिए, अगर तो खाली पानी गर्म होता है इट मीन्स वो माइक्रो से बर्तन है, अगर वो प्लास्टिक का बॉल गर्म होता है इट मीन्स वो माइक्रो से प्लास्टिक नहीं है। ग्रिल मोड में ऑलवेज ग्रिल का स्टैंड रखिए, जिसके लेग्स हमेशा बड़े लेग्स नीचे की साइड रखिए, जब भी आप कन्वेक्शन यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज जो लेग्स है छोटे लेग्स नीचे की तरफ रखिए, ग्रिल में कन्वेक्शन में कॉम्बिनेशन में सब में ये ध्यान दीजिएगा। Thank you very much. Thanks a lot.